अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार। एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान की सॉफ्ट इकॉनमी को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से मिलते रहते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी हम कवर करते हैं हमेशा। यकीन मानिए आज भी मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। मैं थोड़ा सा तारफ कराने की कोशिश करूंगा। बाय प्रोफेशन कहूं मैं तो वो लाहौर के जो ट्रेड एसोसिएशन हैं उनकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं उनके, मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा उनका तारफ कराने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनाब माजिद भट्ट साहब की, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है पैनोरामा सेंटर और पैनोरामा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। माजिद भट्ट साहब के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक बहुत अच्छा केमिकल का बिज़नेस भी कर रहे हैं, वो ट्रेडर भी हैं और ट्रेड के एक्सपोर्टर भी हैं। इसके अलावा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और कारोबार भी उनका है। और इसके अलावा अगर हकीकत में कहा जाए तो लाहौर की रियल स्टेट सेक्टर में उनका बहुत नुमाया मुकाम है, बल्कि रियल स्टेट सेक्टर में उनको यहाँ का बेताज बादशाह अगर मैं कहूँ तो वो गलत बात नहीं होगी। जी हाँ, माजिद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी खुशकिस्मती है मैं उनके ऑफिस में हूँ। और आज ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र कहाँ से उनका शुरू हुआ, किस तरफ जा रहा है और आगे माजिद भट्ट साहब के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पैनोरामा सेंटर उनके क्या प्लान्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आपको खुश आमदेद। थैंक यू। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके साथ हूँ। तो भट्ट साहब, थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं, यानी कि आप भी, मैं देखता हूँ मेरे अपने ख्याल में आप स्टार हैं, आप भी अगर ट्रेड की बात करें हम तो, लोग जानना चाहते हैं माजिद भट्ट साहब का ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा माजी में जाइए कि आपकी एजुकेशन से लेकर और फिर यहाँ तक का जो सफ़र आप बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पैनोरामा सेंटर, और वो सारे डेजिग्नेशन आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं शायद बता भी ना सकूँ शॉर्ट टाइम में, तो थोड़ा सा तफसील में बताइएगा। सबसे पहले तो शुक्रिया शाहिद भाई, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही हैं, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जस्टिफाई कैसे कर पाऊँगा। आपसे पहले मुलाकात होती रहती है और ये तो फॉर ऑन कैमरा सेशन है तो आप बात करें, अदरवाइज़ आपको मेरे बारे में सब कुछ पहले से मालूम है। आपको पता है कि मैंने ये जो सफ़र स्टार्ट किया फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत और माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक बात रहेगी कि फर्दर क्या प्लान्स हैं पैनोरामा के, पैनोरामा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत बड़ा इदारा है माशाल्लाह, इसमें डिफरेंट कंपनीज इसके नीचे काम कर रही हैं, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर भी है, केमिकल्स भी हैं, R&D कंपनी है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सबसे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के डिफेंस के इदारों की भी खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम बिज़नेस करते हैं या काम करते हैं कोई भी अपने लिए, तो अपने मुल्क के लिए भी काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। भट्ट साहब, ये बल्कि आपने बहुत अच्छा कहा कि हम अदारों के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएँगे आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस के साथ मिल के? हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ चल रहे हैं, कुछ पाकिस्तान आर्मी के साथ चल रहे हैं, जो कि काफ़ी इनमें से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो R&D के हैं। हम उनके लिए रिसर्च, हमारी एक कंपनी है माशाल्लाह जिसमें
काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हैं, हम उनके लिए आरएनडी करते हैं और जो ट्रबल्स हैं उनको ट्रबल शूटिंग के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज अदारों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड गुड। और टेक्सटाइल के हवाले से भी आपका बड़ा नाम है लाहौर में जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेक्सटाइल के हवाले से जो हमारा बिजनेस है वो एक्सपोर्ट के लिए हम काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम डिफरेंट ब्रांड्स। उसमें क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारा नेटवेयर नेटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारा बिजनेस और एक्सपोर्ट करते हैं फिनिशिंग प्रोडक्ट्स। जी फिनिश प्रोडक्ट। तो बट सब चूँकि ये नया पाकिस्तान है तो अभी नई नई पॉलिसीज़ हैं ट्रेड मिनिस्टर्स की भी, ट्रेड सेक्टर की भी सारी, तो आप सेटिस्फाई हैं जो आपकी एक्सपोर्ट वगैरह अभी हो रही है, आप लोग सेटिस्फाई हैं यानी कि सारी पॉलिसी से गवर्नमेंट से? शायद भाई एक्चुअली सेटिस्फाइड हम हैं, ठीक चल रहा है काम, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब ओवरनाइट चेंजेस आ जाते हैं। पॉलिसीज मुस्तकिल पॉलिसीज नहीं है ना, जब तक मुस्तकिल पॉलिसीज नहीं होंगी तो प्लान करना मुश्किल हो जाता है बिजनेसमैन के लिए। क्या प्लान करें? आप देखिए कुछ भी आप प्लान आउट करते हैं आपको अचानक से पता चलता है कि कल बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, आपके सारे प्लान्स जो हैं वो बीच में रह जाते हैं। आपको पता चलता है महीने में दो दफ़ा तीन दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। तो ये जो अनसर्टेनिटी है और ओवरनाइट चेंजेस हैं ये सबसे बड़ा इशू है। ये बड़ा इशू बिल्कुल, बस ये एक लॉन्ग टर्म फेस करना पड़ता है। यस बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कुछ भी काम करें तो कोई मसला नहीं। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने बतौर यानी ट्रेडर, एज ए ट्रेडर, आपने कभी मिनिस्ट्री से, ट्रेड मिनिस्ट्री से रब्ता किया हो या ट्रेड मिनिस्टर से अपनी तरजीहात बताई हो तो उन्होंने कुछ इसको सीरियस लिया हो कभी? जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा मौसर अदारा है इस सिलसिले में, उसमें हम अपनी राय देते रहते हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुसलसल कोशिशों में रहता है कि भाई वो ट्रेड मिनिस्ट्री को के साथ लूप में रहे और हमारी जो एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो उनको बताता रहे। अब उनकी कोशिश रहती है लेकिन डिसीशन पावर्स पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं करनी तो उन्होंने फिर अपनी मर्जी होती है, वो ले लेते हैं राय लेकिन उसके ऊपर कोई खास ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं, हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स नज़र नहीं आते जो आने चाहिए हमें। अदरवाइज़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ही मौसर तरीके से हमारी राय जो है वो ऊपर वाले लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट सब एक टाइम था मुझे याद है कि लाहौर में पैनोरामा सेंटर का एक नाम था, मैं अभी जब बहुत यानी कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमें शॉपिंग करने के लिए अगर कुछ सर्च करना पड़ता था तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें पैनोरामा सेंटर की तरफ भेजा करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ पर शॉपिंग करना बड़ा एक फ़ख्र की बात समझा जाता था स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, ठीक है। तो अब भी क्या वैसी रवायत बरकरार है यहाँ पर, जबकि मौजूदा सिनेरियो में तब एक पैनोरामा सेंटर था, अब लाहौर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं, बड़े जदीद किस्म के शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी है, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स भी हैं, जबकि यहाँ पर रिटेल ब्रांड्स हैं, एक्चुअल ब्रांड्स नहीं हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर अब भी लोगों का वैसे ही आना जाना है और यहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं वैसे अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली पैनोरामा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, ये 74 से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो चुका था और बिल्कुल आज से कुछ साल पहले तक ये अकेला ही एक इतना बड़ा सेंटर था जहाँ पे आपको एक ही छत तले सब कुछ अंडर द वन रूफ, अंडर द वन रूफ, यस। और उसके बाद अभी ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट्स हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की की, लाहौर में भी और भी सेंटर्स खुल गए। ये पैनोरामा सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था, कामयाब और कामयाब शॉपिंग मॉल था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप किसी भी से मिले कोई जो आपके जानने वाले होंगे, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि आप खुद भी यहाँ से शॉपिंग करते रहे, तो वो पंजाब में से लोग दूसरे शहरों में से पूरे पंजाब में से यहाँ पैनोरामा सेंटर शॉपिंग के लिए आते थे। ये एक मॉडर्न स्टाइल में पहला प्लाजा था जहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशन था और एस्केलेटर्स लगे हुए थे, वाज मेरे ख्याल में ये पहला ही था, उसके बाद नहीं था। अब हुआ ये कि जब मॉडर्न लोग आए, मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई, तो दूसरे शॉपिंग मॉल्स भी बन गए और लोगों का वहाँ पे डाइवर्जन हो गई। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो पैनोरामा सेंटर का कस्टमर है वो आज भी पैनोरामा सेंटर में है। आपको इत्तेफाक हुआ होगा भैया, आप जब पैनोरामा आने का तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वैसे ही रश है,
थोड़ा सा काम की नोयत थोड़ी सी चेंज हो गई है, जैसे कि पहले ज़्यादा यहाँ पे कैजुअल वेयर का बिज़नेस था, अब कैजुअल वेयर के साथ साथ फॉर्मल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, और शूटिंग जो है मिडिल क्लास के लिए, यहाँ पे अपर मिडिल दोनों क्लासेस के लिए यहाँ पे शूटिंग मौजूद है, और इतनी ज़्यादा शूटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिज़नेस पॉइंट्स हैं शूटिंग के, कि जितने हैं मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में होंगे ना शूटिंग्स के, वो सिर्फ पैनोरामा सेंटर में है। और दूसरा आपने जो फरमाया कि बाहर ब्रांड्स हैं और यहाँ पे रिटेल स्टोर्स हैं, अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में वो यहाँ से ही स्टार्ट हुए हैं, पैनोरामा यहीं से स्टार्टिंग है। यस बिल्कुल, यहाँ से स्टार्टेड है, यहाँ से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, आई नो आई नो, और उसके बाद बाहर जाके उन्होंने उसको थोड़ी सी एस्टैब्लिश यहाँ से हुए, एस्टैब्लिश यहाँ से हुए और वहाँ पे जाके थोड़ा सा वो बेहतर स्टाइल में उन्होंने ब्रांड्स बना लिए अपने नाम से, लेकिन वो बेस्ड फ्रॉम पैनोरामा सेंटर, ठीक है, जिसमें यहाँ की नर्सरी से निकले, जी जी बिल्कुल यहाँ की नर्सरी से लगे, और अभी भी उनके जो जो मेन पॉइंट्स है वो पैनोरामा के अंदर हैं, ठीक है, और उसमें आप शूटिंग के ब्रांड्स हैं, उसमें कैजुअल वेयर के ब्रांड्स हैं, फॉर्मल के हैं, इवन ज्वेलर्स के बहुत बड़े बड़े जो नाम है लाहौर में वो पैनोरामा से ही निकल के बाहर वॉचेस कंपनी, हर चीज़ जो है ना, काफ़ी जो मैं बता रहा हूँ आपको जो ब्रांड्स आपको बाहर नजर आते हैं वो पाकिस्तान से, वो सॉरी पैनोरामा से ही स्टार्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और इस चीज़ की खुशी एक अपनी है कि ये हमारे आपके कितनी यहाँ पर शॉप्स हैं टोटल पैनोरामा सेंटर में। पैनोरामा में लगभग कोई 1000 के करीब शॉप्स हैं। व्यूअर्स, मैं ये आपको बताता जाऊँ, ये ऑन द रिकॉर्ड भी बात है कि आज भी पैनोरामा सेंटर पंजाब में जेंट्स कलेक्शन के हवाले से बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का, यानी कि एक सेंटर है जहाँ पर जेंट्स की तमाम कलेक्शन आपको अंडर द वन रूफ मिलेगी, जबकि और भी बावजूद इसके, जैसे माजिद भट्ट साहब ने बताया कि बहुत सारे लाहौर में शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जेंट्स के हवाले से जदीद, अब भी मुनफरिद और जदीद जो कोई सेंटर है तो वो पैनोरामा सेंटर है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम एक लेंगे ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बिजनेस पॉलिसी मेकिंग में कभी भी हमारी इनपुट नहीं लेंगे, चूँकि उनको पता है कि ये इनकी कोई एक राय है ही नहीं, चूँकि हर बॉडी, हर जो इतनी ज़्यादा तनजीमें हो चुकी हैं आपके, भी हर किसी ने अपना अपना जो है ना एक झंडा उठाया हुआ है, और वो कहता है कभी। जी वेलकम बैक नाज़रीन, जी मेरे साथ मौजूद है माजिद भट्ट साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव पैनोरामा ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी भट्ट साहब, अच्छा भट्ट साहब, लाहौर की सियासत के हवाले से भी आपका बड़ा मुकाम है और आप हर जगह काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं आजकल, और लाहौर की यानी कि जो चैम्बर की हमारी पॉलिटिक्स है उसमें का भी पार्ट रहे भी हैं भी है, तो आप क्या समझते हैं लाहौर की आज के ट्रेड के हवाले से, कि जिस तरह लाहौर की जितनी ट्रेड बॉडीज़ हैं, जिस तरह से आपस में कई जगह पर उनके इत्तेफाक है भी नहीं भी है, तो आप सब लोग मिल के एक मुश्तरका तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के साथ एक लाए अमल क्यों नहीं बना रहे, ताकि इस तरह के जो आजकल डॉलर्स की जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है और जिस तरह कीमतें प्राइजेस बढ़ रही हैं, तो इससे तो बिल वास्ता या बिला वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेड के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तो लाहौर चैम्बर तो बड़ा भाई है पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का, तो आप लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स क्यों नहीं ले रहे आप लोग? शायद भाई मेरी ऐसी कोशिश होती है कि मैं जो प्रैक्टिकली सियासत है उससे थोड़ा सा दूर रहूं। ठीक है। और ये जो ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो चूँकि हमारा एक लाइन है, फील्ड है, तो उसमें हमें ज़रूर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली ना इत्तफाकी की वजह भी सिर्फ ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर यही रहती है कि जो ग्रुप बंदियाँ हैं और उसमें अपनी अपनी सियासी जमातों से वाबस्तगी जो है, जब तक बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को एज ए बिजनेस और न्यूट्रल बॉडी होके अपने मुतालबात के लिए आगे तक नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब एक ज़ाती मफादात, जब एक रूलिंग पार्टी होती है उसके जो चाहने वाले होते हैं उनकी कोशिश होती है थोड़ा बैकफुट पर रहें, जो अपोजिशन से रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं, जो उनके ट्रेड विंग होते हैं, उनकी कोशिश होती है वो ज़रा अग्रेसिव स्टाइल लें, और इतना अग्रेसिव लें जो कि अभी समटाइम जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता, तो इस तरह वो सारा कुछ जो है ना वो एक स्कैटर्ड होके तो वो एक सियासत की नज़र हो जाता है। मेरे ख्याल में जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उनको अपने आप को अपनी अपनी सियासत अपनी जगह पर जारी रखें, हर किसी को हक है कि अपनी पार्टी से अपनी वाबस्तगी जारी रखे, लेकिन जो ट्रेड के इश्यूज हैं ना, जो बिज़नेस इश्यूज हैं, वो बिज़नेस की ट्रेड बॉडीज़ को चाहिए कि सियासत से बालातर हो के अपने एजेंडा अपनाएं। बिल्कुल। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो भी रूलिंग पार्टीज होंगी वो हमारे
जो बिजनेस की बिजनेस पॉलिसी मेकिंग में कभी भी हमारी इनपुट नहीं लेंगी, चूँकि उनको पता है कि ये इनकी कोई एक राय है ही नहीं, चूँकि हर बॉडी हर जो इतनी ज़्यादा तंजीमें हो चुकी हैं आपके, भी हर किसी ने अपना अपना जो है ना एक झंडा उठाया हुआ है, और वो कहता है कभी अगर एक के साथ बात की जाए तो वो ला महला सिर्फ उसकी मुखालफत में ही दूसरी एक चीज़ लेके आ जाता है, जिसमें सबसे जो अफेक्टिव है वही मैं फिर कहूँगा कि भी अगर कोई किरदार अदा कर रहा है इस सिलसिले में तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिल्कुल ठीक है। चूँकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक दफ़ा इलेक्शन हो गए, जो भी पार्टी आ गई अब वो सबको साथ लेके चल रही है। आप कभी बड़ा चैम्बर में बैठना उठना तो आप देखते होंगे कि भी चैम्बर्स वालों में सारी जो बिजनेस बॉडीज़ हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, वो सारी ही वहाँ पे उनके साथ लूप में हैं, और वो इलेक्शन के बाद सबको एक सा ही वो ट्रीट करते हैं। और लोग जो उनके मुखालफ इलेक्शन भी लड़े होते हैं वो भी वहाँ पे जाके अपने राइट्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो उनको वहाँ पे मिल रही होती है, मिल रही हो। तो मेरे ख्याल में जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ही एक एग्जाम्पल बना के बाकी जो बिजनेस ट्रेड यूनियंस जितनी भी एसोसिएशन हैं उनको चाहिए कि मिलके कुछ ऐसा ही अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं, अदरवाइज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि वो किसी एक स्ट्रॉन्गली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्गली बात करने की पोजीशन में आ सके। जब तक ये दो दर्जन से ज़्यादा जो ट्रेड बॉडीज हैं जब ऐसे ही अकेले अकेले जाएंगे तो वो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी मुश्किल होता है इनसे बात करना के भी अब वो किससे बात करें और किससे ना करें। आई एम रियली सॉरी, मेरे कुछ दोस्तों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत भी है ये, बल्कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप तंजीमें बनी हुई है इस तरह की। जी जी बिल्कुल, ऐसे व्हाट्सएप की हद तक ही है जो प्रैक्टिकली वो यानी कुछ नहीं कर रही, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और जो कुछ ऑन ग्राउंड कोई करने की कोशिश भी करता है बाकी सारे लैग पुलिंग में लग जाते हैं। ठीक है जी, ये ऑन ग्राउंड कर रहा है, एक कोई ऑन ग्राउंड कुछ प्लान देता है तो दूसरा उसको प्लान के वर्कआउट होने से पहले ही उसको खराब करने में उसकी एक कंपेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर पहली बात है प्लान भी सबसे मिलके देना चाहिए, और जब एक प्लान आ गया और वो बिजनेस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए है तो फिर उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए, ना कि मुखालफत बराए मुखालफत की जाए। मुखालफत बराए इस्लाह अगर हो तो उससे फायदा होता है सबका, और जब मुखालफत बराए मुखालफत होती है तो उससे सिर्फ नुकसान हो सकता है, फायदा किसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो मेरी आपके इस प्लेटफॉर्म से चैनल के हवाले से मेरी अपने सब दोस्तों से बिजनेस कोलीग्स जो हैं उनसे गुजारिश है कि भी अपने आप को एक जगह पे इकट्ठा करें और फिर एक मुश्तरका लाया मतलब अपना के तो गवर्नमेंट से बात करें या जो भी पॉलिसी साज अदारे हैं उनसे बात करें, ताकि उसके कुछ नतायज हासिल किए जा सके, ना कि सिर्फ शोर शराबा किया जा सके। बट साहब, आपकी जो पहचान है ना, बेसिकली जो मेरे ख्याल में वो पैनोरमा सेंटर है जिसकी वजह से आप जाने पहचाने जाते हैं, तो ये इतना सक्सेसफुल आपका ये प्रोजेक्ट था और है भी अल्हम्दुलिल्लाह और रहेगा भी, तो फ्यूचर में आप इसका क्या कोई यानी कि पार्ट टू टाइप को चीज़ या इसको कोई मज़ीद इसको फैला रहे हैं इस प्रोजेक्ट को किसी और जगह पर इसी ब्रांड के साथ या कोई अदर ब्रांड्स के साथ? जी बिल्कुल शाहिद भाई, जैसा कि आप को पता है कि पैनोरमा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, इसमें जो भी हमारे डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं तो हम तो वो इसी पैनोरमा के बैनर तले ही हम उसको सारे को हैंडल कर रहे होते हैं। अभी पैनोरमा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पैनोरमा एक ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्राइम लोकेशन, स्टेट ऑफ आर्ट था, ये स्टेट ऑफ आर्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी स्टेट ऑफ आर्ट ही है। प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है, आप देखें इस लोकेशन इस टाइप की लोकेशन पर शॉपिंग अमूमन नहीं होती, बिल्कुल जिस प्राइम लोकेशन पे ये है उसका उतना जो है ना वो फ़ायदा नहीं आवाम तक पहुंच सका जितना पहुंचना चाहिए, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि इसको मज़ीद ज़्यादा अट्रैक्शन दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें ताकि मज़ीद ज़्यादा लोग इस सेंटर से फ़ायदा उठा सकें। क्या कर रहे हैं यानी कि मैंने देखा है यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत इशू है, यहाँ पर पार्किंग का बहुत इशू है, यहाँ पर और भी मसाइल होंगे, मेन ये है माल के हवाले से, माल रोड के हवाले से बात करें तो यानी कि जो आम यानी किसी ने शॉपिंग करनी हो इस मॉल तक नहीं आ पा सकता। जी बिल्कुल शायद भाई, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, जो लोग भी पैनोरमा सेंटर शॉपिंग के लिए आते हैं
वो सिर्फ पैनोरामा के लिए ही उनको आना पड़ता है, यहाँ जस्ट शॉपिंग के लिए आना पड़ता है। यहाँ पे विंडो शॉपिंग वाले लोग थोड़े कम आते हैं, ठीक है। माल रोड पे आए दिन कोई ना कोई जलसे जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज हुआ रहता है, जिसकी वजह से माल रोड बंद रहता है और लोगों को बड़ा ही आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ दुकानदारों के जो यहाँ पे ट्रेड कम्युनिटी है वो बेचारे बड़े सफ़र करते हैं। मतलब कि अगर एक दिन 5-10-20 लोग आए और उन्होंने असेंबली हॉल चौक में बंद कर दिया सारा रोड, तो उसके साथ 5-10 हज़ार लोगों का बिजनेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके लिए लाहौर हाईकोर्ट ने लास्ट टाइम एक डायरेक्शन भी दी थी कि इसको जल्द अज जल्द कानून साजी करके इसको माल रोड को आप रेड जोन डिक्लेयर करें, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में काम जारी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कर रही है, जो कि अगर जल्दी से जल्दी अगर रेड जोन डिक्लेयर हो जाए तो यहाँ पे ये जो आए दिन लोगों का ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, और उस जब ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम तो लोगों को जब यहाँ पे एक्सेस इजी हो जाएगी तो फिर बिजनेस ग्रो करेगा और ज्यादा करेगा। पैनोरामा, खाली पैनोरामा नहीं, इसकी वजह से बिडन रोड, हाल रोड, माल रोड के दूसरे जो बिजनेस कम्युनिटी है सब लोग सफर, ये लाहौर का दिल है जी, वैसे जी बिल्कुल, ये रोड जैसे तारीखी जगह है, ये प्लेस है, यहाँ पे जो टूरिज्म होती है, टूरिस्ट बाहर से आता है दूसरे कंट्री से, वो माल रोड पहले यहाँ से दोनों तरफ आमदोरफ्त होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका वो मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पर आए, इसका कोई पार्ट टू कोई जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम पार्ट टू में पैनोरामा रेजिडेंसी हम एक लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको बताएंगे शायद भाई, उसके ऊपर आपको मैं डिटेल ब्रीफिंग दूंगा। पैनोरामा रेजिडेंसी, पैनोरामा हाइट्स हम लेके आ रहे हैं, जैसा कि वो भी आम लोगों के लिए कि लीड क्लास के लिए, नहीं क्योंकि ये जो मॉल है ना ये तो आम लोगों के लिए बना है ना, नहीं यहाँ पर हर आम और खास आ सकता है, नहीं ये रवायत है यहाँ की। वो भी पैनोरामा जो होगा वो भी आम लोगों के लिए होगा, हाँ। और उसको ऐसा बनाएंगे जो आम लोगों की एक्सेस में हो और उसमें लीड क्लास भी रह सके, यानी कि उसमें उसकी जो फैसिलिटीज हों, उसकी उसमें सहूलियात और उसमें जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो ऐसे होंगे कि भी आम लोग खरीद सकें और एलीट क्लास की तरह वो रह सकें उसमें, इंशाल्लाह। तो वो कब से व्हाट्सएप ला रहे हैं 2021 में, बस इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह। कोविड में पाकिस्तान की जो है बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत मुतासर हुई, पाकिस्तान की माशी तौर पे हालात बहुत ख़राब हुए, आप क्या समझते हैं कोविड में से हम लोग निकल आए हैं, क्या हमने रिकवरी वो माशी तौर के ऊपर कर ली है कि भी अभी टाइम लगेगा इससे निकलते हुए? शायद भाई वही जो आपको मैं बता रहा था कि अनकरीब हम अनाउंस करेंगे, तो इसकी वजह एक कोविड ही है, अदरवाइज हम जो प्लान कर रहे थे वो 2020 में ही पैनोरामा रेजिडेंसी को अनाउंस करने का प्लान कर रहे थे, उसमें से हम नहीं निकल पाए, तो अभी तक हम उसकी कोई डेट भी अनाउंस नहीं कर पा रहे कि कब तक हम उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो हम पर्सनली तौर पर हम ऑलरेडी इसमें सफ़र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि फिर भी जो बिजनेसमैन है ना वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाता है किसी हवाले से भी थोड़ा बहुत कर, जो एक डेली वेज वर्कर है ना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आई है ये कोविड, और हमारे जैसे जो कंट्रीज हैं जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं तरक्की पजीर हैं, और उनके लिए जहाँ पे गवर्नमेंट उस हद तक सपोर्ट नहीं कर सकती या नहीं कर पा रही जितनी के आपने देखा होगा कि भाई दूसरे ममालिक में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अगर एस्टैब्लिश कंट्रीज जी एस्टैब्लिश कंट्रीज जो है लोग अगर लोगों का बिजनेस नहीं भी चल रहा या जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और लोग उस हद तक पैनिक नहीं हुए। अब यहाँ पे पैनिक सिचुएशन तब क्रिएट हो जाती है जब किसी के घर का चूल्हा नहीं चल रहा, अब उसके लिए ये है कि उसको वो बच्चे की भूख देखें या कोविड को देखें, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा प्लान किया और स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिस्टम बनाया है आई अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट की ही अच्छी पॉलिसीज़ उसमें रही, इसमें मेरे ख्याल में सब लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं, गवर्नमेंट ने इसको अच्छे तरीके से टैकल किया। देखिए आपका कोई 250 मिलियन का मुल्क है, ये वैसे मैनेज नहीं हो सकता बिल्कुल, जैसे छोटी छोटी आबादियों के जो ममालक जैसे दुबई हो गया ये लोग वो छोटे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता, और दुबई जैसे कंट्रीज में जो है आपने देखा होगा कि उसमें भी फॉरेनर्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया,
सिर्फ जो उनके अपने लोकल सिटीजन है उनके लिए दिया, और एक्चुअली उनके जो लोकल सिटीजन है वो माइनॉरिटीज में है, माइनॉरिटीज में है, यस, मेजॉरिटी जो है वो फॉरेनर्स की है, और फॉरेनर के लिए कुछ नहीं, तो थोड़ी सी लोगों को कैटर करना इतना इजी है, मुश्किल नहीं था, बनिस्बत की यहाँ पे आपके 250 मिलियन या और भी बहुत प्रॉब्लम है, लोगों का डाटा नहीं है जी, बिल्कुल, कैसे उन तक हेल्प पहुंचाई जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जितना भी हुआ थोड़ा बहुत हुआ, अक्रॉस द बोर्ड एक ही पॉलिसीज बनी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल हो गया, लेकिन जब तक ये अल्लाह ताला का खास करम होगा और हम इस कोरोना में से निकल पाएंगे, और अभी ये तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वैक्सीन भी पाकिस्तान पहुंच गई है और वो स्टार्ट हो जाएगी, आप देखिए अल्लाह पाक करम करे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट, नो डाउट जी। नाज़रीन हमारे साथ है पैनोरामा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव माजिद भट्ट साहब, इस टाइम हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, हम मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टूडेंट्स का हम एक जो है ना वेंचर टाइप प्रोग्राम लेके आ रहे थे, आप भी उसका हिस्सा थे जी, बिल्कुल, तो वो कोरोना की नज़र हो गया फिलहाल, उसको हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि भी अगर 2021 में कोरोना के हालात कंट्रोल हो गए, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जी। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है पैनोरामा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब माजिद भट्ट साहब जी। भट्ट साहब वही बात, आप हर दिल अजीज़ भी हैं, लोगों को ये बहुत कम पता है, आप मेरे भाई भी हैं, ठीक है, और बड़ी लवली पर्सनैलिटी हैं आप। भट्ट साहब आपकी ये खुश अखलाकी और जो हुसन परस्ती है और ये जो आप इतने प्यारे हैं, इसका राज क्या है, लोग जानना चाहते हैं? इसका सिर्फ एक ही राज है शायद भाई, आपकी मोहब्बत है और ये आपकी आंखों का कमाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो तो बात ठीक है, बट साहब आपने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए आज तक बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, फ्यूचर में पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए या इसके सॉफ्ट इमेज के लिए, चूँकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट भी, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते रहते हैं, आपकी डिफेंस के साथ भी बड़ी अच्छी पीआर है और बहुत सारे थिंक टैंक्स का पार्ट भी हैं, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट डिस्कशंस चलती रहती है, तो उसके लिए आप अपना सीएसआर के लिए आप अपना किरदार किस तरह से अदा कर रहे हैं? शायद भाई आपको इलम में होगा कि लास्ट ईयर हम पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट लाए थे, बहुत बड़ी एक समिट करवाने जा रहे थे हम, जिसमें पाकिस्तान की सारी कॉर्पोरेट क्लास, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि भाई वो कॉर्पोरेट के साथ साथ स्टूडेंट्स को हम उसमें एंगेज कर रहे थे, जो कि अपने जब वो ड्यूरिंग अपने एजुकेशन वो प्रैक्टिकल सेशंस उनको करने का मौका मिले, इंडस्ट्री कॉर्पोरेट और स्टूडेंट्स का हम एक जो है ना वेंचर टाइप प्रोग्राम लेके आ रहे थे, आप भी उसका हिस्सा थे जी, बिल्कुल, तो वो कोरोना की नज़र हो गया फिलहाल, उसको हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि भी अगर 2021 में कोरोना के हालात कंट्रोल हो गए, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा था इनिशिएटिव जी, बिल्कुल, और उसमें बहुत से पाकिस्तान के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, बहुत से जो हेड ऑफ थिंक टैंक थे, वो उसका हिस्सा थे, आपने देखा था, उसके ऊपर बड़ा बहुत काम हुआ था, और उसमें से इंटरनेशनली जो वेल नाउन स्पीकर्स हैं वो आ रहे थे पाकिस्तान में, और उसकी लॉन्चिंग भी हुई थी बैठ जी, उसकी लॉन्चिंग भी हुई थी, और बड़ा इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था और आपकी बड़ी यानी तारीफ भी की थी उस पर जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने देखा ही था उसको वहाँ पे इस्लामाबाद मैरियट में उसकी लॉन्चिंग हुई थी, बिल्कुल, और उसकी बड़ी कवरेज हुई थी इंटरनेशनली जी, बिल्कुल, और इंटरनेशनल ब्लॉगर्स ने भी लिखा था, ब्लॉगर्स ने भी बड़ा लिखा था, बस वो कोविड की वजह से वो थोड़ा पेंडिंग हो गया, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, बाकी रेल में ना पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए वो वर्किंग जो आप कर रहे थे, वो उसमें हमारी बारिश का पहला कतरा था जो कि WFS के शेप में पाकिस्तान में आप करना चाह रहे थे जी जी, बिल्कुल, वो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमारी कोई बिजनेस कोई एम्स नहीं थे उसमें, हाँ, बिल्कुल, वो जस्ट फॉर पाकिस्तानी खिदमत थी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, सॉफ्ट इमेज के लिए, दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज है, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे ही कोई ना कोई मौके मिलेंगे हम पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल, वो जिम्मेदारी है जी, बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के लिए जो कर सकते हैं वो करें इंशाल्लाह ताला, ये कोविड कंट्रोल होता है तो उसके फौरी बाद हम वही सबमिट करेंगे इंशाल्लाह ताला, मजीद अच्छे तरीके से अब हो जाएगी, हमें मजीद तैयारियाँ करने का अच्छा मौका मिल गया। बट सब क्या प्लान हैं आगे के? वैसे तो ये सारा जो प्रोग्राम था ना, आपने प्लान ही बताए हैं, कोई स्पेशली कोई ऐसा प्लान जो आप करना चाह रहे हो अपने बिजनेस के हवाले से, फ्यूचर प्लान? बिजनेस के हवाले से प्लान तो आपके सामने ही है, चल रहा है, हम उसके लिए सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, तो कोशिश यही होती है कि भी हम जो भी काम करें, बिजनेस भी करें, तो उसमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करें,
तो आगे भी फर्दर जो हम करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि रेजिडेंसी का हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें बिजनेस के साथ साथ हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोगों के लिए आसानी पैदा करें, ना सिर्फ उसमें से बिजनेस ढूंढें जनरेट हो बल्कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें। उसमें हमने स्पेशली एक अपना एक पोर्शन ऐसा रखा हुआ है जो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो बहुत ही कम आमदनी वाले लोग हैं, जिनके लिए अपना घर बनाना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन के करीब है, उसके लिए हम करेंगे उसको। वो आप ये समझ लें कि भी उसमें से कॉस्ट भी नहीं हम लेंगे, कॉस्ट से भी कम जाके हम देंगे, सिर्फ वो जैसे जितना जो कोई उसमें कर सके शेयर, और उसमें हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पर्सनली उसके साथ शेयर करके लोगों को वो अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है भट्ट साहब, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है इनिशिएटिव, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। भट्ट साहब, एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से आप कोई मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ट्रेड मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हमारा ये बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड भी देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तक भी जाता है और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी जाता है, तो आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो अपने ट्रेडर्स के हवाले से जो आप समझते हो कि दरीना मसला था आप लोगों का, वो शायद हमारे प्रोग्राम की वसादत से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाके आपकी आवाज़ और वो आपका दरीना मसला हो जाए पूरा? शायद भाई आपसे हमारा एक अपना प्यार है, आपको पता है, तो आज ये इंटरव्यू के जरिए ही बात जा रही है आगे, अदरवाइज आपसे इस टॉपिक पे डिस्कशन अक्सर होती रहती है डिफरेंट इश्यूज़ के साथ साथ इस टॉपिक पे भी, कि सिर्फ हमारी एक गुजारिश है मेरी ज़ाती तौर पर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, कि जो भी पॉलिसीज बनानी है ना, उसमें एक तो ये बिजनेस कम्युनिटी को साथ एंगेज करें, जो एक्चुअल बिजनेस लोग हैं वो ड्राइंग रूम वाले बिजनेसमैन नहीं, नहीं। जी जी। जो सिर्फ कैमरा वाले नहीं, वो नहीं, वो व्हाट्सएप वाले नहीं, जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड बिजनेस कर रहे हैं उनको साथ लेके लें, और जिस सेक्टर के मुतालिक आपकी पॉलिसी बन रही है ना उस सेक्टर के लोगों को साथ लें, ठीक है, और जो भी पॉलिसी बनाए वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बनाए, ये ओवरनाइट चेंजिंग जो है ना वो नहीं, ये बिल्कुल खाना खराब कर देंगे आपकी। अब हमारा हम एक ये हमारे जो मईशत है ना, ये नॉन हाल टाइप की मईशत है, ठीक है, प्रीमेच्योर कह सकते हैं, बहुत ज़रा प्रीमेच्योर है, और जैसे ही ये अपने थोड़ा सा संभलने की कोशिश करती है कुछ ऐसी कोई ना कोई चेंजेस आ जाती है हाँ। कि भी वो फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है, और इम्पोर्ट कम करने के बारे में अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं, इम्पोर्ट कम करनी, हमने इम्पोर्ट कम करनी, इम्पोर्ट को डिस्कस करना, उसके लिए फिर वो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, बूस्ट दें, जब तक लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो वो ज़रूरियात कहाँ से पूरी होंगी जो इम्पोर्ट पूरी करती है। पहले लोकल इंडस्ट्री डेवलप करें, उसके बाद जिस जिस सेक्टर में लोकल इंडस्ट्री वो डेवलप करते जाएँ उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाते जाएँ कि इसकी इम्पोर्ट हमने बंद करनी है। स्टेट में ये कह देना कि इम्पोर्ट बंद कर देनी है तो वो फिर किसी मसले का हल नहीं है। जब तक आप अपनी लोकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, एक चीज़ की लोकल डेवलपमेंट करें, गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करे और उसके लिए फैसिलिटेट करे, लोगों को उसमें लाने के लिए अट्रैक्शन दे, जब लोग आए उसकी डेवलपमेंट की वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो, फिर आप उसके बाद जो मर्जी करें उसकी बंद कर दें इम्पोर्ट, लोगों को पता हो मेड इन पाकिस्तान चीज़ यूज़ करनी, जब भी एक चीज़ मेड इन पाकिस्तान अवेलेबल ही नहीं है तो वो फिर बाहर से ही आनी है ना। बिल्कुल। तो मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है आपके एशियन ट्रेड चैनल्स की तरफ से कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए, हमें ओवरनाइट पॉलिसीज के में वो चाहिए भी नहीं, यानी कि हमें रात को एक शाही फरमान के जरिए झोंक ना दिया करें कि ये हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप करें ना जो भी करना है, ताकि हमें भी पता हो हमने प्लान आउट कैसे करना है। 5 ईयर की 7 ईयर की पॉलिसी एटलीस्ट एक साल की दे दे, तो उसके मुताबिक चले। हमें यही नहीं पता होता कि आज 3 तारीख सुबह होनी की तेल नल की होनी है, एक दिन टीवी पे पता चलता है कि सुबह बिजली की कीमतें बढ़ गई है और वो फिर लागू हो जाती है और सारे वो ऑर्डर जो होते हैं सब कुछ डिस्टर्ब हो गया ना, बिल्कुल, तो वो कैसे चलेगा ऐसे काम? पॉसिबल बिल्कुल नहीं। भट्ट साहब, आपका दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, बावजूद इसके आप भाई हैं मेरे, लेकिन आपका शुक्रिया बनता है। आज आपके साथ लिए गिफ्ट भी है जो कि हमारी स्पॉन्सर कंपनी है मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट स्टील ग्रुप है, ठीक है, जो कि जिनका बिलीव पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के ऊपर है
और जिनका बिलीव मेड इन पाकिस्तान पर है और बिलीव इन पाकिस्तान पर है, उन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट्स भेजा है जो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आप मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज के हमारे गेस्ट थे ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। और इंशाल्लाह ये आपके साथ रहेगा। थैंक यू। ठीक है, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अगले सफ़र तक के लिए। ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में अगले दफ़ा हमारे साथ कौन सी पर्सनैलिटी होगी वो मिलेंगे हम बहुत जल्दी। शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।